वेलकम गाइस टू राइट टू प्रोग्राम। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ताकि आपको जो न्यू वीडियोस हैं लारावेल 10 के एंड फिर अदर लैंग्वेजेस के तो वो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि कस्टम हेल्पर कैसा बना सकते हैं हम लारावेल 10 के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने लारावेल ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं लारावेल हमारा रन हो रहा है इस आईपी पे। हम चेक कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यह इंटरफेस लारावेल 10 का एंड फिर जो लारावेल 10 है वो पीएचपी 8.1 वर्जन पे चलता है। सो अभी हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। हमें क्या करना है, जो ऐप फोल्डर है ऐप फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना है हेल्पर्स करके एंड फिर हेल्पर्स के अंदर एक फाइल बनाना है हेल्पर डॉट पीएचपी एंड फिर इसे क्या करना है, जो हेल्पर डॉट पी एच पी है उसे हमें रजिस्टर करना होता है जो ऑटो लोड करके ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें फाइल्स करके बना देते हैं एंड फिर एक एरे पास कर देते हैं। जो फाइल इंपोर्ट होगा क्या होगा इस कंपोजर डॉट जेसन में ऐड करने से, ताकि जो हमारा हेल्पर डॉट पी एच पी है ऑटो रजिस्टर हो जाएगा। सो इसका जो पाथ है हम पाथ दे देते हैं, पाथ है ऐप के अंदर, ऐप में क्या है हेल्पर्स करके बनाया हमने एंड फिर हेल्पर डॉट पी एच पी बनाया, दैट्स इट। इतना करना है एंड ए करने के बाद हमें एक कमांड रन करना होता है कंपोजर डंप ऑटो लोड। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हमने इसमें चेंजेस किया कंपोजर डॉट जेसन में, तो ये क्या करता है पूरा ऑप्टिमाइज़ कर देता है फाइल्स को, ताकि जहाँ पे भी जो कैच वगैरह यूज़ किया रहेगा तो फिर वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा कंपोजर डंप ऑटो लोड से। सो ये जब तक होता है तब तक हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं हेल्पर में, ताकि जैसा कि अभी हम एक फंक्शन बना लेते हैं गेट मैसेज करके, हम गेट मैसेज में क्या करते हैं रिटर्न करते हैं वेलकम टू कस्टम हेल्पर मैसेज फ्रॉम राइट टू प्रोग्राम। ओके दैट्स इतना ही करना है हमें एंड फिर जो हमारा राउट है राउट से हम इसे कॉल कर लेते हैं। गेट कर लेते हैं एंड फिर गेट मैसेज या फिर आप कुछ भी राउट दे सकते हैं। हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं ओके इको एंड फिर जो हमारा फंक्शन था ये फंक्शन हमें यूज़ करना है गेट मैसेज एंड ये रिटर्न करना है। इससे क्या होगा, जो हमारा सेमी कॉलन एंडिंग था ओके, इससे क्या होगा अभी जो हमारा हेल्पर में फंक्शन बना हुआ है गेट मैसेज करके, तो गेट मैसेज से क्या होगा हमने इधर रिटर्न किया है कंटेंट, वो कंटेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर हम ये गेट मैसेज करके पुट करते हैं जो पाथ, उससे हमारा जो मैसेज है हेल्पर डॉट पी एच पी से ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। जब तक कंपोजर डंप ऑटोलेट चलता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। ओके जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंपोजर डंप ऑटोलोड था वो हो गया है। अभी हम टेस्ट कर लेते हैं जो हमारा पाथ है गेट मैसेज करके, हम पाथ के आगे पुट कर देते हैं एंड लेट चेक
पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैसेज है ये डायरेक्टली हेल्पर डॉट पी एच पी से आ रहा है विदाउट हमें कोई भी एक फाइल जो है इंपोर्ट किए बिना रिसीव हो रहा है मैसेज। इसी टाइप में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, नो फंक्शन हम ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्पर के। जैसा कि हम दूसरा मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि अगर हम गेट नेम कर देते हैं, इससे क्या होगा, अगर जो भी नेम है मैं वो नेम यूज़र से लूँगा, यानी यहाँ पे वो नेम मैं प्रिंट कराऊँगा, वेलकम टू राइट टू प्रोग्राम हाउ आर यू। ओके, हम इतना ही कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड अब हम क्या करेंगे, जो गेट नेम है वो गेट नेम को हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। एक गेट मैसेज की जगह ही हम यूज़ कर लेते हैं, फिर गेट नेम डाल दिए। एंड फिर यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया है नेम करके, तो नेम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं, एलेक्स। ओके, अभी हम इसे रन करते हैं, रिफ्रेश कर देंगे। ओके, नहीं प्रिंट हुआ, लेट्स सी व्हाट इज़ द इशू। ओके, हमने ये जो वेरिएबल है वो कॉल नहीं किया है, तो इसे हम कॉल कर लेते हैं ये। ओके, नाउ विल रिफ्रेश। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेलकम टू राइट टू प्रोग्राम हाउ आर यू एलेक्स, ये आ गया है। तो इसी टाइप में अगर हमें करंट डेट भी चाहिए तो करंट डेट भी हम शो करा सकते हैं, एक गेट कर डेट यहाँ पे हम कर देते हैं। एंड फिर हमें करंट डेट के लिए कार्बन यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ कार्बन कार्बन। ओके, एंड यहाँ पे क्या करना है, हमें रिटर्न करना है कार्बन नाउ, एंड फॉर्मेट यूज़ कर लेते हैं हम डी एम वाई, एंड सेव कर लेते हैं। एंड इसे हम क्या करेंगे, सिंपली प्रोवाइड कर देंगे करंट डेट, एंड यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग पास किया हुआ है ये निकाल देते हैं। एंड लेट्स सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट डेट हमारा रिसीव हो गया। तो इस टाइप में क्या है, हम हेल्पर की यूज़ कर सकते हैं कि हम एक फंक्शन बना के मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम बिना इंपोर्ट किए कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।